हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं डिस्प्ले रोटेटिंग बोर्ड। तो इसके लिए जल्दी से अपन को क्या क्या सामान चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अपन को एक मोटर चाहिए जो कि ये सिंक्रोनस मोटर है और ये 230 वोल्ट से चलती है। ये इसका वोल्टेज रेटिंग दे रखा है 220 वोल्ट है, 240 वोल्ट दे रखा है और इसके RPM है 4 से 5 RPM की है और ये 4 वोल्ट की है ये मोटर है। तो ये वाली अपन मोटर, इसको मोटर स्विंग मोटर भी बोलते हैं जनरली। ये कूलर वगैरह और अपने माइक्रो ओवन में यूज़ होती है, तो ये यूज़ है इसके। और ये मोटर है कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद अपन को इस मोटर को किसी बॉक्स पे फिक्स करना है। उसके लिए अपन को एक बॉक्स चाहिए ऐसा, तो इस बॉक्स पे अपन फिक्स कर लेंगे। इसके लिए मैंने कटिंग कर ली इस बॉक्स के लिए, तो अब जल्दी से इसको फिक्स कर लेते हैं इसके ऊपर। मोटर इसके ढक्कन के ऊपर अपने इस कैप पे अपन ने मोटर को फिक्स कर लिया है इजीली अपने, और ये अच्छे से पैक कर लिया, इसको अच्छे से पैक फिट हो गई है। अब क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर अपन को यहाँ पे कटिंग करने है, यहाँ पे कटिंग चारों साइड कटिंग करके ताकि इसमें मोटर के अंदर हवा पास हो सके और इसको एयर मिले और ये ज़्यादा हीट ना हो। और यहाँ से एक वायर के लिए एक होल कर दिया इधर की साइड में, यहाँ पे एक होल कर दिया है। अब अपन जल्दी से इसको वायर को अंदर डाल देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये डिस्प्ले रोटेटिंग बोर्ड बनाने का। अगर मार्केट से अपन लेंगे तो मार्केट से काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, जो कि 1600 से लेके 3000 रुपये की रेंज में आता है ये। तो अपन इसको अच्छे से फिट कर दिया है। अब अपन को लेना है सिंपली एक कार्डबोर्ड बॉक्स का कवर लेना है, अपन को कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, उसको कटिंग कर लेना है। तो जैसे कि मैंने इसको कटिंग करके पहले से रख दिया है ये कार्डबोर्ड बॉक्स, ऐसे कुछ इस प्रकार से कटिंग कर लेनी है। तो इसको मैंने पहले से कटिंग करके रख दिया है, तो ऐसे राउंड कटिंग कर लेना है। उसके बाद अपन को कार्डबोर्ड बॉक्स को इस बॉक्स के ऊपर इसके अंदर लगाना है, यहाँ पे इस ये वाली शाफ्ट के ऊपर फिट करना है शाफ्ट के अंदर। तो जल्दी से मैं शाफ्ट करके अंदर फिट कर देता हूँ, फिर आप देखिएगा। तो दोस्तों सिंपली अपन को इसके ऊपर लगा देना है इसके ऊपर, और इसको लगाने के बाद इसके ऊपर अपन को पेन के वो ये वाली पाइप अपन डाल देंगे। पेन की जो पाइप है ये पाइप इसके अंदर लगा लेंगे ताकि ये स्टडी रहे एक जगह। पेन की रिफिल ऐसे लगा लेनी है, फिर पेन की रिफिल लगाने के बाद अपन को इसके ऊपर एक और लगाना है ये। उससे पहले अपन क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर स्टडी चिपका देंगे ताकि इसके साथ पूरा रोटेट करें। तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। अब अपन को इसको स्टडी करने के बाद इसको अपन यहाँ लगा देंगे। अब इसको चिपकाना है, इसको चिपकाने के लिए अपन ये बोथ साइड टेप ले लेंगे, ये बोथ साइड टेप से चिपका देंगे इसको। तो ये बोथ साइड टेप ले लेता हूँ मैं। दोस्तों अपन ने वो स्टिक पैड लगाने के बाद, अपन बहुत से टेप लगाने के बाद इसको अपन ने चिपका दिया अच्छे से ही। ये चिपक चुका है अच्छे से, ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा ये। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर अपन को क्या करना है, सिंपली अपन को ये वाला एक ब्लैक कलर लगा लेना है उसके ऊपर।
तो अपन लगा लेंगे इसके ऊपर जल्दी से। तो दोस्तों मैं जल्दी से इसके ऊपर ये लगा लेता हूँ इसके ऊपर, और आपको दिखाता हूँ ये फाइनल लगा के ये अपन को कैसा लगता है। तो गाइज अपना ये बन के रेडी हो चुका है, ये कुछ इस प्रकार से बना है ये, और इसके ऊपर मैंने ये लगा लिया है इसके ऊपर ब्लैक कलर का। अब अपन को देखना है, इसको चला के देखते हैं ये कैसा बना है और कैसे मूवमेंट करेगा ये, और एक आपको फाइनल में इसकी वीडियो बता दूंगा, इससे वीडियो कैसे बनाई हुई है मैंने, तो इसका पूरा डिटेल आपको दिखा दूंगा आपको मैं। तो इसके लिए अपन पहले इसको ऑन करके देखते हैं एक बार। सिंपल ऑन कर दिया है, देखिए कितना आसानी से घूम रहा है ये, 4 to 5 RPM के आसपास स्पीड से घूम रहा है। और इसके ऊपर कुछ रख के देखते हैं, जैसे कि तो जैसे कि मैं एक मार्कर रख देता हूँ, ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है, आप जैसे भी चाहो वैसे यूज़ ले सकते हो इसको। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।